बार प्लीज चेक कर लो ना, मैंने सब ठीक से रखा है यानी। वो आपका फोन जैसे ही आया ना तो मैंने ये सब रेडी कर दिया, एक बार प्लीज चेक कर लो ना सब ठीक है ना। वाह शाबाश, तूने तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर लिया। जिंदी रहे। ये सब क्यों? क्यों नहीं पुत्र, शगुन मेरी बेटी है और ये शादी करके तेरे घर जा रही है, ते इस घर से ये शगुन इसका हक बनता है ना। मम्मी ये सब की क्या जरूरत है, मैं तो बस यहाँ बेहू से मिलने आई हूँ, वहाँ शादी पर भी नहीं आई मैं उससे एक बार मिल लूँ प्लीज। जरूर मिल ले पुत्र, उन्हें भी चंगा लगेगा। आजा पुत्र आजा, माँ का दिल है ना। माँ का दिल मुझे अच्छी तरह से पता है शगुन, कि तुम क्या नाटक कर रहे हो। बिहू बिहू बेटा, विच मीन्स बिहू वहां चली गई है। इसमें पैसे भी लाई हूं और ये एड्रेस है अंकल की, तुम टैक्सी लेना और टैक्सी लेकर इस एड्रेस पर पहुंचा। वेल डन बेटा। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, क्योंकि टेंशन वाला एक्सप्रेशन कन्विंसिंग होना चाहिए सब। नीलू नीलू। हाँ भाभी। नीलू पीहू अपने कमरे में नजर नहीं आ रही, कहीं अपने किसी बिल्डिंग फ्रेंड से तो मिलने नहीं गई है? उसे जल्दी बुला लो ना, आलिया भी वेट कर रही है, हमें निकलना है। भाभी वो तो अपने कमरे में ही है, जब आप लोग कोर्ट गए थे तो मैंने उसे मिल्क शेक दिया और वो वहीं थी। मिल्क शेक को तो उसने छुआ भी नहीं है, वो अचानक कैसे बिल्डिंग में कहीं होगी, किसी के पास गई होगी, तुमने जाते हुए उसे नहीं देखा होगा। अभी अभी जाके देख लो ना, वो कितनी रेस्टलेस थी, अपसेट थी, वो होगी ना नीचे कहीं। तुम तो मैया रायर आंटी के यहाँ देख रहा, और वो उसकी फ्रेंड है ना स्वाति, उसके यहाँ चेक कर लेना। हाँ भाभी जल्दी जाओ नीलू। हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ। वो कहाँ ऐसे, वो बिना बताए वो कभी जाती नहीं है ऐसे। पीहू भी, वो स्वाति के घर पे भी नहीं है। पीहू, पीहू मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वो मुझे उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। वो कितनी अपसेट थी, वो कितनी हार्ट थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मैंने ही किया। ये सब चलो पानी हो। पीहू कहाँ चली गई? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? पीहू मीका जी, मैं ना पार्क में देखा, तो शायद वहां पे होगी। ठीक है हाँ, तो वहां जाओ, मैं एक बार गार्ड से जल्दी जल्दी जल्दी। बात करनी है।
जानते हो तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है रमन मैं क्या कह रही हूँ। आई एम वेरी श्योर मेरी किडनैपिंग शगुन ने करवाई थी। इनफैक्ट पीहू को भी शगुन ने किडनैप करवाया रमन। आई एम 100% श्योर। अरे स्टॉप रिश्ता। शगुन अपनी बेटी को क्यों किडनैप करवाएगी? आई मीन चलो पहले की बात होती तो मैं मान सकता था, लेकिन 7 साल से शगुन ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे हम सब बिखर गए थे, टूट गए थे। हमें संभाला है उसने, मुझे आदि को, पूरे घर को संभाला उसने। प्रूफ देखो ना, ये लेटर पढ़ो, अनिल नागपाल ने लिखा है, उसने शगुन का नाम लिया है रमन। इनफैक्ट वो अभिषेक आया था जब, तो वो भी लेटर पढ़ के। तुम्हारी बकवास, जब तुम किडनैप हो गई थी ना तो हमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी शगुन को थी। उस औरत ने मुझे हिम्मत दी कि रमन डरो मत, इसे मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। शगुन पे इल्जाम लगा रही हो तुम। शट अप यार, इनफ। एक बात मत भूलो कि तुम सबको छोड़ के चली गई थी, उसने सबको बांध के रखा एक साथ। I'm sorry, लेकिन ये फैक्ट है। मुझे मालूम है रब्बू, इसलिए मुझे भी बिलीव नहीं होगा। मुझे क्या बिलीव होता क्या नहीं होता मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इनफ, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है। इनफ। नहीं मम्मी जी, मैंने बिल्डिंग में हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने भी पार्क देखा, मैंने उसको कितना ढूंढा, वो कहीं पे भी नहीं है। मैंने उसके फ्रेंड्स के घर भी कॉल किया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। वो तुमसे गुस्सा नहीं है, वो मिल जाएगी, हम ढूंढेंगे उसे। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं कंप्लेन लिखवाने। मैं भी आता हूं। चले जा पुत्र, कैसे भी मेरे पियो को ढूंढ के ले क्या सर? सर एक मिनट रुकिए ना सर। अभी नहीं प्लीज, मुझे जाना है। सर मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपकी बेटी पियो के बारे में कुछ बताना है। पियो के बारे में? क्या हुआ पीहू को, कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले मैं ऊपर टेरेस पे गया था, तब मैंने ऊपर से देखा कि पीहू बेटी टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई। व्हाट? अकेले? अच्छा वो अकेली थी या कोई था उसके साथ? हाँ सर, मैंने उन्हें ऊपर से देखा, उन्हें आवाज भी दी, नीचे भागते हुए चला आया, तब तक वो जा चुकी थी। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आधी रोही कब से ढूंढ रहे हो उसे? सर मुझे भी अभी अभी पता चला कि आप लोग उन्हें ढूंढ रहे हो। मैं वो बिल भरने के लिए गया था ना, अभी मैं आपको ही बताने आ रहा था। ठीक है तो एक काम करो, बाहर बाकी टैक्सी वालों से पता करो वो टैक्सी किसकी थी, कहाँ थी। ठीक है सर। I got money. Money, काम करो, बाकी कैब ऑफिसर्स में फोन करो, पता करो प्लीज। पीहू टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है? वो कहाँ जा सकती है? इतनी छोटी बच्ची। हरप्पा, उन लोगों से कुछ हो ना जाए। रमन कुछ कर पुत्र, कुछ कर, मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। रमन किसी भी तरह मेरी पीहू को वापस ले आओ। रमन प्लीज कुछ भी करो। शगुन संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 8 साल की छोटी बच्ची है, पीहू नाम है उसका। आईपी एक्सटेंशन से उसे कैब हायर किया था। प्लीज फाइंड आउट। आई जस्ट होप कि पीहू वहां पहुंच गई हो। आलिया का फोन आ रहा है। अयो मणि, वो आलिया तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम उससे बात करो ना, उसको बोलो कि थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ आलिया, वो सॉरी हम अपा पीहू यहाँ है। व्हाट? हाँ पापा, वो यहाँ अकेली आई है। एंड आई डोंट थिंक घर पे किसी को पता है। मैंने उससे पूछा तो बोली कैब करके आई है। वो शायद शगुन आंटी से मिलने आई है। ठीक है ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, हम वहाँ पहुँचते हैं। पीहू मिल गई है। वो हमारे घर पे है। गॉड, पीहू वहां पहुंच गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगी पीहू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। लेकिन वो तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू को किसी ने जानबूझकर वहां? बड़ा इतनी छोटी बच्ची कैब पकड़कर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है हम सबको तुम्हारे घर जाना चाहिए। मनी प्लीज। हाँ, चलते हैं, चलते हैं, कम ऑन। मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए वहां चली गई। चलो। ओह माय गॉड, कितना नाटक। तुम चाहती थी कि पीहू तुम्हारे साथ आए, मैंने रोका, इसलिए तुमने ये चाल चली। पर एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक छोटी सी बच्ची को मजबूर कर रही हो टैक्सी लेके बाहर जाने के लिए, उससे खतरे में डाल रही हो। कैसी माँ हो तुम। पीहू, पीहू,
शगुन आंटी वो आरती पीहू पीहू। एक्चुअली आलिया वो शगुन मम्मा थोड़े परेशान है क्योंकि पीहू बिना बताए आ गई ना इसीलिए। इट्स ओके आलिया आई अंडरस्टैंड। पी मामा परेशान हो गई थी। मामा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। नहीं मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे प्रॉमिस। रमन आई नो कि तुम नहीं चाहते कि पीहू यहां रहे तुम्हारे साथ है लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे यहां रहने दो प्लीज रमन। शगुन प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पीहू को तुमसे दूर करने का नतीजा हम सब देख चुके हैं। बेहतर यही है कि पीहू कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहे यहाँ तुम्हारे मनी के साथ प्लीज। थैंक यू सो मच। हाय पीहू अब कुछ दिन तुम हमारे साथ रहोगी तो विल हैव फन और इसी बात पे हम स्वीट्स खाएंगे तुम खाओगी? हाँ। चलो लेट्स गो। थैंक गॉड पीहू मिल गए वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मनी हम सारी रस्में कर लेते हैं आलिया ने कितनी मेहनत की है मैं फ्रेश नाम के आती हूँ। हाँ हाँ शो कमरा यहाँ पर है। ओके। पापा हाँ आलिया वेलकम बैक हूँ। अब इसी खुशी में मिठाई तो बनती है। आलिया बहुत मिठाई खा चुका हूँ मैं। नो पापा नो एक्सक्यूजेस यू हैव टू